कैसे निर्दोष साबित करें हम शर्मा जी को? सुमुखी और उसकी माँ का पर्दाफाश करना ही होगा हमें, पर कैसे? उठाइए मैडम सर, उठाइए, हमारा टेलीपैथ इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम यहाँ सोचे और वहाँ बात हो जाए। उठाइए उठाइए उठाइए, बहुत इमरजेंसी है, हमें केस में आपका मदद चाहिए मैडम सर, उठाइए। हेलो हेलो, हमारा टेलीपैथी स्ट्रॉन्ग है मैडम सर। क्या? नहीं, कुछ नहीं, अब जय हिंद मैडम सर, वो बस हम खुद से ऐसी बड़बड़ा रहे थे। करिश्मा सिंह, खुद से ही बड़बड़ाना था तो हमें क्यों फोन किया, खुद ही को फोन कर लेती। सॉरी, बहुत ही गंदा जोक था। बहरहाल बताइए, हमें कैसे याद किया? मैडम सर, वो केस के संदर्भ में आपका मार्गदर्शन चाहिए हमको, इसलिए हमने आपको कॉल किया था। वैसे हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आपने जो आवाज वाला संदेश मीरा के माध्यम से हमारे लिए छोड़ा है, वो काफी हमारे काम आया, लेकिन अभी बहुत उलझ गए हैं मैडम सर, हमको समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें ना। मतलब अगर आप हमारी जगह होती तो आप क्या करती, हम ये जानना चाह रहे हैं। आप शर्मा जी वाले केस के बारे में बात कर रही हैं? इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, मीरा की प्रोग्रामिंग में फीडेड है कि अगर थाना इंचार्ज ना हो तो हर चीज की उसे रिपोर्ट दी जाए, इसलिए हम सब कुछ जानते हैं। अगर ऐसा बात है मैडम सर, तो फिर तो आपको ये भी पता होगा कि हम जो है बदल गए हैं, मतलब हम आपके तरीके से केस सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। पर कितना भी ट्राई कर ले मैडम सर, एक दिन में हम हसीना मलिक तो नहीं बन जाएंगे ना, इसलिए जो है हम सोच रहे हैं कि आप अगर हमें थोड़ा हेल्प कर दे और बता दे कि अगर आप हमारी जगह होती तो आप कैसे काम लेती, क्या सोचती, क्या करती, प्लीज हमें बता दीजिए मैडम सर। करिश्मा सिंह, केस तो सुलझ ही जाएगा, फिलहाल हमें इस बात की खुशी है कि आप बहुत सुलझ गए हैं, लेकिन आपने केस के बारे में बात करने के लिए फोन किया है तो उसी के बारे में बात करते हैं। एक काम कीजिए, हमारे डेस्क पर राइट साइड में एक ड्रॉर है, उसे खोलिए, उसके अंदर एक ब्लू कलर की फाइल है, वो निकालिए। हाँ जी 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 जी, हाँ मैडम सर, फाइल है। आप ड्रॉर बंद करना भूल गई, पहले उसे बंद कीजिए। आपको कैसे पता चला मैडम सर हमने ड्रॉर बंद नहीं किया? हम सब कुछ जानते हैं, बंद तो कीजिए। हाँ 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 जी, हमने बंद कर दिया ड्रॉर। अब इस ब्लू फाइल को वापस ड्रॉर में रख दीजिए। ना मैडम सर, जब फाइल ड्रॉर में ही रखना था तो आपने निकलवाया का है? करिश्मा सिंह, आपको केस का सलूशन चाहिए या नहीं? जी जी मैडम सर, चाहिए। तो जैसा कहते हैं वैसा कीजिए, ब्लू फाइल को वापस ड्रॉर में रखिए। ड्रॉर में रख दी मैडम सर। आप फिर से कुछ भूल रही हैं? कहाँ मैडम सर? कुछ समझ में आया? कुछ कुछ समझ में आ रहा है मैडम सर। आप शायद हमें ये बताना चाह रही हैं कि इंसान अगर गलती करता है और उसकी गलती नहीं सुधारा गया तो वो गलती बार बार करने का उसको हिम्मत बन जाता है। हमने कहा था ना कि इस केस को सॉल्व करने के लिए आप पूरी तरीके से सक्षम हैं। यानी आपके कहने का मतलब है कि? नहीं, एक मिनट, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, जो कह रही हैं आप कह रही हैं, हम बस इस सोल्यूशन का दरवाजा खोल के दे रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन आपका है, ठीक है? और अब आप हमें बताएंगी कि आप क्या करने वाली हैं, आपने क्या सोचा है। हमें ऐसे हालात बनाने होंगे मैडम सर कि वो माँ बेटी जो है गलती दोबारा से करें। बहुत बढ़िया, अब आप यकीनन इस केस को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट, हम फोन रखते हैं। और हाँ, एक चीज, प्लीज किसी को बताइएगा मत कि इस केस को सॉल्व करने में आपने हमारी मदद ली है, ओके? काहे मैडम सर, काहे ना कहे, आपने हमारा मदद किया है। करिश्मा सिंह, कभी कभी जरूरत से ज्यादा ईमानदारी भी अच्छी नहीं होती, हमारी काबिलियत किसी और की परछाई में दबकर रह जाती है और हम नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा हो, ठीक है? दैट्स एन ऑर्डर, हम फोन रखते हैं, अपना ख्याल रखिए, हमें बहुत सारा काम, ओके? जय हिंद। ये हुआ ना बात, अब मिल गया हमें दिशा। बस करिश्मा सिंह, तुम्हें कुछ अच्छा तगड़ा प्लान सोचना है। बहुत दिनों से पुष्पा जी का जो है वो ओवर एक्टिंग का सुनामी बाहर नहीं आया, अब वक्त आ गया पुष्पा जी आपके ओवर एक्टिंग का सुनामी बाहर आने का। नहीं, आप समझ नहीं रहे, हम गिरफ्तार तो शर्मा जी को तब करें ना जब सबूत हो हमारे पास। जब सबूत ही नहीं है तो कैसे गिरफ्तार करें? उन्हें छोड़ना पड़ा हमें, थोड़ा मैडम देखिए कानून के हिसाब से चलना पड़ता है। अरे खूब जानती हूँ आप लोगों के हिसाब, जहाँ देखी तवा परात वहीं गुजारी रात। जिसने जितने पैसे दिए ना उसकी उतनी जय जय का। बताइए कितने पैसे खाए आपने उस शर्मा से, जो उसे गिरफ्तार करने से इतना डर रहे हैं आप? मैं पैसे नहीं खाती, मैं बिजली खाती हूँ।
अच्छा तो रिश्वत का नया नाम दिया है आपने, बिजली। देखिए मैं आप लोगों की ये धांधलियां चलने नहीं दूंगी। हाँ आप लोग किसी चक्कर में मत रहना, आज ही मैं इस थाने में अपनी जान दे दूंगी। अगर मेरी बच्ची को इंसाफ नहीं मिला तो आप ही लोग जिम्मेदार होंगे इस बात के। मेरी मदद कीजिए प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कर दीजिए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। हाँ 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 हम करेंगे मदद, बताइए क्या हुआ। अरे ऐसे कैसे होगा, पहले हम लोग आए यहाँ पर तो हमारा केस पहले निपटेगा। हाँ हाँ मैडम, लेकिन आपकी FIR रजिस्टर कर ली है ना, इन्वेस्टिगेशन चलेगा अभी, आप थोड़ा तो वक्त दीजिए इनका, देखिए इनकी भी कोई इमरजेंसी होगी ना। आप एक काम कीजिए, 2 मिनट बैठिए आप यहाँ, ठीक है? आप बताइए। आंटी जी आप 2 मिनट दे देंगी तो बहुत मेहरबानी होगी, अगर आप 2 मिनट नहीं देंगे तो मैं सड़क पर आ सकती हूँ, प्लीज मेरी मजबूरी को समझो प्लीज। ठीक है सिर्फ 2 ही मिनट है तुम्हारे पास, मैडम जी आप जल्दी करो। ठीक है आप मैडम मैं बैठ जाऊँ, बैठ के रिपोर्ट लिखूँ? शो बैठिए। बताइए मैडम क्या प्रॉब्लम है जी? मुझे FIR लिखवानी है। किसके खिलाफ? मेरे मकान मालिक के खिलाफ। वो क्या है ना कि कुछ दिनों से ना काम ठीक से नहीं चल रहा है, मेरी गलती है कि मैं 3-4 महीने से ना भाड़ा नहीं दे पाई हूँ, वो भाड़ा नहीं दिया तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, मुझे बदतमीजी करता है, मुझे कभी भी छेड़ता है, मुझे ना बहुत डर लगता है, मुझे बस उसके खिलाफ FIR लिखवानी है। आप उसको उसका सबक सिखाओ, आप उसको पकड़िए प्लीज जितनी जल्दी हो सकता है। घबराइए मत आप अपने मकान मालिक का नंबर और एड्रेस दे दीजिए हमें, हम जाएंगे उनके पास, बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे। समझाएंगे? तब तक तो वो मेरे सर पे सवार हो जाएगा मैडम, पता नहीं क्या करेगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आप अभी सबक सिखा दीजिए ना उसको, प्लीज अभी कुछ कर दीजिए ना आप मैडम। देखिए ऐसा नहीं होता है, हर चीज का एक कायदा होता है, कानून होता है, प्रोसीजर होता है। ऐसे नहीं होता है कि कोई आया किसी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई और हम जाके उस इंसान पे चढ़ गए, नहीं। सबसे पहले तफ्तीश होती है, जांच होती है, पड़ताल होती है, उसके बाद ही पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि क्या करना है और किसके खिलाफ करना है। इतना 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 सारा, तब तक तो वो मुझे कच्चा चबा जाएगा मैडम। छोड़िए आपसे नहीं हो पाएगा, मैं ही कुछ करती हूँ। अरे लेकिन हमारा केस, अरे मैडम चले गए। हेलो हेलो लाली माँ जी, मैं छतरपुर वाली बिमला मासी की बहन बोल रही हूँ जी। मैं बहुत मुसीबत में फंस गई हूँ, मैंने ना दो चार महीने से किराया नहीं दिया था तो मकान मालिक जो है मेरे पीछे पड़ गया है और बदतमीजी करने पे उतर आया है मेरे साथ, मुझे बहुत डरा के रखा हुआ, मुझे बहुत डर लगता है उससे, आप मेरी मदद कर दीजिए ना, आप तो हर मुश्किल का हल निकाल देती है ना। क्या हो जाएगा? आज ही हो जाएगा? धन्यवाद आपकी, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी जी। प्रणाम प्रणाम लाली माँ, प्रणाम लाली माँ। सुनिए बहन। हाँ किससे फोन पर बात कर रही थी आप? लाली माँ। किसकी माँ? लाली माँ, लाली माँ। इस मामलों में ना एक्सपर्ट है लाली माँ। कैसे मामले? ये लड़कों के मामलों में, इनको सबक सिखाना होता है, इनको झूठ बोल के इनको अपने फांसे में लेना, इन मामलों में बहुत तेज है लाली माँ और हर बार जीतती है। हाँ थोड़ी सी कमीशन लेती है लेकिन बिल्कुल गारंटी देती है। अच्छा बहन हमें भी उसका नंबर दे दो, हमें भी मिलवा दो उसे, बहुत मेहरबानी होगी। क्यों नहीं क्यों नहीं, नंबर क्यों, मैं आपको एड्रेस ही दे देती हूँ ना, आप सीधा एड्रेस पे चली जाइए। लिख अब लिख लिख हाँ, लिख लिख जल्दी लिख। जी आप ही जाइए। धन्यवाद। अरे एक मिनट आइए ना, आइए आप। नहीं 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 कोई जरूरत नहीं। आई थिंक हो गया मैडम। हो गया, प्लान सक्सेसफुल, बधाई हो। मछली जाल में तो फंस गई है पर आगे भी बिल्कुल वैसा ही हो जैसा हमने सोचा। पुष्पा जी संभाल ले बस। लाली माँ हमका बचाई लो, ये हमको यहाँ टच किया। इतना भयंकर अभिनय नहीं चाहिए, एकदम सहज अभिनय चाहिए, एकदम अबला दुखियारी मरद की मारी ऐसा नारी करना है आपको। दो बूंदा से उठक खाइए, अब बाबू करके सिखाओ उनको, सिखाओ उनको। क्या पीछे आ जाओ। जीते रहो पहले गिर जाना है। बचाई लो, हमको इंसाफ दिलाई लो, एक आदमी ने हमको छुआ है, हमको छेड़ा है, हमको यहाँ छुआ सब जगह मुझे टच किया।
गया है। अब हम समाज में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं लालिमा। हमको न्याय चाहिए, हम पर अत्याचार हुआ है। ऐसा ऐसा करना है तुमको? हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। तो समझ गई ना आप सब लोग कि करना क्या है? बिल्कुल ऐसे ही करना है। तुम और तुम नहीं आई हो हमारे दरबार में, यहाँ आओ। हाँ वही, अब बताओ क्या समस्या है बड़ी बहन? हमें ना आपकी एक भक्त ने यहाँ भेजा है माँ। दीदी, मित्र मित्र मित्र, अरे रे, बार बार करिश्मा मैडम इनको कहीं एक्टिंग करने के लिए भेज देती है, इनके बारे में जानते हुए भी। उनकी सास है ना, नेपोटिज्म। पूरे उत्तर प्रदेश में इन दोनों के अलावा हमें कोई माँ नहीं कहता। जी दीदी, दीदी हमें ना आपकी मदद चाहिए थी। जरूर मदद करेंगे, बताओ समस्या क्या है बहन? वो मेरे एक टीचर है, मुझे बहुत परेशान कर रहे थे वो, तो मैंने उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करा दी। सुमुखी तू ग्रो क्यों रही है ऐसे? हाँ शर्मा सर, अंधेरे का फायदा उठा के उन्होंने मुझे किस किया। तो चाहती क्या हो बहन? आप बस हमें उस टीचर से 2,00,000 रुपए दिलवा दीजिए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। बाकी आपका जो बनता है वो तो सर आंखों पर हमारे। माँ, पुलिस का तड़का पहले ही खिचड़ी में लग गया है, अब हम कैसे करेंगे? माँ, मेरा ये विनम्र निवेदन है आपसे, आप इस मामला में हस्तक्षेप नहीं करें तो बेहतर है। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत कीजिए, आप भी हमारी मदद कर सकती है। आप करेंगी ना? एक बात बताओ, ये जो कुछ भी कहा ये सब सच में हुआ था या ये लड़की झूठ बोल रही है? टीचर को झूठे इल्जाम में फंसाए हैं। हाँ, झूठे इल्जाम में फंसा है। तो ये हुई ना बात। बस पुष्पा जी किसी तरह ये मोर्चा संभाल लीजिए, फिर बाजी अपना। बहुत बढ़िया। करिश्मा सिंह। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। केस सॉल्व होने की खुशी में फोन किया है? क्या बात है मैडम सर, वहाँ बैठे बैठे भी आप सब पता लगा लेते कि क्या चल रहा है यहाँ पे। हमने आपको ये बताने के लिए फोन किया मैडम सर कि कैसे हमारे जाल में ना हमने माँ बेटी को फंसा लिया है, अब ना वो मुकर नहीं पाएंगे, हम आपको बता रहे हैं। और आपको ऐसा लगता है कि ये करने से आप उनके खिलाफ एयर टाइट केस बना पाएंगे? अगर उन्होंने कोर्ट में कह दिया कि पुलिस ने जबरदस्ती ट्रैप लगाकर हमसे कन्फेशन निकलवाया है तो फिर लगाएंगे उनको एक कंटाप और पहुंचा देंगे हिल्टन। नहीं मुकर सकती मैडम सर। करिश्मा सिंह, आपने कहा था कि आप केस हमारे तरीके से सॉल्व करना चाहती हैं, क्या लगता है आपको हम वहां होते हैं तो हम यही करते, कंटाप लगाते? मैडम सर, जिस दिन आप कंटाप लगा देंगे ना उस दिन हम घी के दिए जलाएंगे, आपको बता रहे हैं। कितना मजा आएगा जब आप कान के नीचे बजा के केस सॉल्व करेंगे। जैसे आप हमें कैसे जज्बात का ताकत सिखाना चाहती है ना, हम आपको कंटाप का ताप सिखाना चाहते हैं मैडम सर। अगर आप कंटाप लगाना सीख जाएंगे ना तो बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम फोन रखते हैं। अरे नहीं नहीं मैडम सर, वो गुस्ताखी माफ सॉरी, वो हम बस ना उस माँ बेटी को रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं ताकि वो जो है ना तो कुछ मुकर ना पाए, इसलिए हमें जो सूझा वो हमने कह दिया, सॉरी। बाकी अब हमें समझ में आ गया है कि इतना काफी नहीं है उनके खिलाफ कुछ साबित करने के लिए, इसलिए अब जो होगा ना वो पूरा तैयारी के साथ होगा। मैडम सर, अब ना हम इस केस का पुलंदा बांधने के बाद ही आपको कॉल करेंगे, उनके ये केस रफा दफा होने की गुड न्यूज के साथ आपको कॉल करेंगे हम। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। रुको, एक फरियादी को हमें फोन करना है। हेलो करिश्मा जी, काम हो गया, सुमुखी और उसकी माँ ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। बहुत बढ़िया,
अब आगे का प्लानिंग सुनिए पुष्पा जी। अरे मगर इस सबकी क्या जरूरत है, अब तो गुनाह कबूल कर लिया ना। जितना कहा जा रहा ना पुष्पा जी उतना कीजिए। जय हिंद। हाँ कभी हमारी कोई बात मानती है आप। जय हिंद। अब सुनो हमारी बात, जैसा हम कहेंगे बिल्कुल वैसा ही करो। 2 लाख क्या, पूरे 5 लाख निकलवा के देंगे तुमको। जी हाँ दीदी, बताइए क्या करना है, हम वही करेंगे। आज रात तुम अपने टीचर के कोचिंग क्लासेस जाओगी, उनसे माफी मांगने का नाटक करोगी। जैसे ही तुम दोनों अकेले होंगे वहाँ की लाइट फिर से चली जाएगी। तुम चिल्लाना शुरू कर दो, बचाओ बचाओ बचाओ। हमारी महिला टोली बाहर पहले से तैनात रहेगी, जैसे ही तुम्हारी चिल्लाने की आवाज सुनेगी पूरी टीम अंदर आ जाएगी और उस टीचर को पकड़ लेगी। बस तो फिर क्या, इज्जत बचाने के लिए आदमी क्या नहीं करता, ये भी करेगा। ठीक है दीदी अब हम चलते हैं। जीते रहो जीते रहो। कैसा रहा, कैसा रहा हमारा अभिनय? आज ये ऐसा पहली बार किया ना, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा भयंकर। आपके तारीफ के लिए हमारे शब्दकोश में शब्द नहीं है। लेकिन एक चीज बढ़िया हो गया पुष्पा जी। एक मिनट, ये देखिए ये कैमरा में ना सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है, सब कुछ, जितना कुछ बोली ना सब कुछ इसके अंदर कैद हो गया है। बहुत बढ़िया। जय हिंद मैडम। हाँ काम हो गया है, आज रात सुमुखी और उसकी माँ दोनों की असलियत पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। पार्टी लोकेशन पर इन्वेस्टिगेशन की तो इस मैडम के बारे में पता चला है, निशा नाम है इनका, और पार्टी वाले दिन रात को जानबूझकर लाइट इन्होंने ही बंद की थी। माँ तुम्हारी तो काहे किया तुमने ऐसा बे? हाँ मैम सुमुखी के कहने पर उसने हमें मजबूर किया था, हमें ब्लैकमेल किया कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारी सारी फोटोज हमारे घर वालों को दिखा देगी। कौन सा फोटोज घर वालों को दिखा देगी? मैं सोमुखी और हमारे दोस्त अक्सर कॉलेज बंक करके इधर उधर घूमने निकल जाते थे और इस बात की भनक हमारे घर वालों को नहीं थी। और उस न्यू ईयर पार्टी की रात सोमुखी ने हमें एक फिक्स टाइम पर लाइट ऑफ करने को कहा, हमने जब मना किया तो उसने हमें धमकी दी कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो सारी फोटोज हमारे घर वालों को दिखा देगी। कितनी शातिर निकली ये लड़की, जितना हमने सोचा था उससे कहीं आगे है ये। हाँ सुनो तुमको सुमुखी का ना फिर से कॉल आया, वो तुम्हें फिर से बोलेगी कि लाइट बंद करनी है। हाँ हम मना कर देंगे। नहीं तुम लाइट बंद करोगी। क्या करोगी? लाइट ऑफ करना है। हाँ लाइट बंद करोगी, बहुत बढ़िया। सुमुखी का कॉल है। उठाओ 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 उठाओ। हाँ सुमुखी बोल। हाँ हम सुन रहे हैं, फिर से? हाँ ठीक है ओके बाय। क्या बोली? आपने सही कहा था मैम, उसने फिर से हमें एक दूसरी जगह लाइट ऑफ करने को कहा है। देखिए आप लोग ठीक से समझ गए ना कि आप लोगों को क्या करना है? हाँ समझ गए। हाँ समझ गए समझ गए, समझदार लोग हैं, देखो शक्ल से लग रहे समझदार है कि नहीं बहन? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं लेकिन फिर भी याद दिलाना तो हमारा काम है ना। देखिए आप लोग वहाँ पर जाएंगे और अंदर आते ही वो आपसे माफी मांगना शुरू कर देंगे, वापस वो पूरा रिपीट होगा सर। लाइट जाएगी अंधेरे का फायदा उठाने के लिए सुमुखी जो है आप पर छेड़छाड़ का घटिया इल्जाम लगाएगी, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं क्योंकि इस बार हम सब है आपके पास। ठीक है इस बार अंधेरे में आप खड़े नहीं होंगे, इस बार अंधेरे में हमारी मीरा मैडम खड़ी होंगी। ठीक है बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। चलिए मानो चलिए चलिए। शर्मा जी हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है, हमने इतनी घटिया इल्जाम लगाया आप जैसे देवता स्वरूप इंसान पर, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। ठीक है कोई बात नहीं, माफ किया। अरे तू खड़ी खड़ी देख क्या रही है, पैर पकड़ सर से माफी मांग। हाँ सर आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने आप जैसे इतने अच्छे इंसान पर इतना गंदा इल्जाम लगाया, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। हाँ हाँ भाई ठीक है माफ किया। दिल से माफ कर दिया? अरे भाई दिल से माफ किया।
हाँ हाँ मैडम सुनिए, हो गई आपकी नौटंकी, यहाँ पे खड़े होकर हमने सब देख लिया है। अरे नहीं नहीं, मेरी बेटी यहाँ मेरे साथ खड़ी थी, पता नहीं अचानक कहाँ चली गई। सर कहाँ गई मेरी बच्ची? बस अब ऑटो पकड़ी नहीं, सब देखा है हमने, ये आपका नया कोई जाल है इनको फंसाने का। ना ये माँ बेटी का जो ड्रामा है ना, इसको अभी खत्म कीजिए। अरे नहीं नहीं, यहीं पर ही थी मेरे साथ दीदी, पक्का आप सबने गायब किया है मेरी बच्ची को। देखिए बस बहुत हो गया, बुलाइए अपनी बच्ची को, बुलाइए अभी बुलाइए। अरे लेकिन अगर आपने मेरी बच्ची को गायब नहीं किया, मेरी बच्ची कहाँ गई? हमारा ड्रामा है ये माँ बेटी का, साफ साफ दिख रहा है कि ये ड्रामा कर रही है। हमें जो चीज देखनी थी वो हम देख चुके हैं, जो सबूत हमको चाहिए था वो हमें मिल चुका है। हमारे प्लान में तो सुमुखी का गायब होना ही नहीं था, कहीं ये माँ बेटी हमारे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही है। का हुआ? इतना घबराई हुई काय लग रही है, का दिक्कत हो गया? जय हिंद मैडम। जय हिंद। हमें उस बेचारी बच्ची की चिंता हो रही है, क्या पता सुमुखी सच में गायब हुई हो। फिर मुर्गे की वही टांग, सुबह से एक ही खटरा गा रही है। पुष्पा जी वो नहीं भागी है कहीं, हमारे लिए केस निपट चुका है, खत्म हो चुका है ये केस, ओवर। समझ रही हमारी बात को? हम उसकी माँ की चाल है ये, फिर से फंसाएगी वो मास्टर जी को, उसी ने गायब किया है। भगवान करे बस ऐसा ही हो। हाँ ऐसा ही होगा, आप इतना लोड मत लीजिए, आप चाय पीजिए। बदनाम, पुष्पा जी के लिए चाय भेजो। आया मैडम, बदनामी स्पेशल चाय लेके। हाँ एक गुड न्यूज है तुम्हारे लिए, महिला पुलिस थाने वालों को लगता है कि सुमुखी और उसके मॉम नाटक कर रहे हैं और अभी उनका कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। एडियट हो तुम, और तुम्हारे वो महिला थाने वाले, कितना आसान है ना तुम लोगों को बेवकूफ बनाना। अब कौन विश्वास करेगा तुम पे और तुम्हारी माँ पे, कौन मानेगा कि तुम्हारा किडनैप हुआ है और वो भी मैंने किया है। हमें भी मिलवा दो उसे, बहुत मेहरबानी होगी। मैं आपको एड्रेस ही दे देती हूँ ना। निशा को ये पता चल गया था कि करिश्मा सिंह तुम्हें और तुम्हारी माँ को लाली माँ के पास भेज रहे, और ये बात निशा ने मुझे बताई। हेलो राहुल, इनका प्लान सुनो। आज रात तुम अपने टीचर के कोचिंग क्लासेस जाओगी, उनसे माफी मांगने का नाटक करोगी। जैसे ही तुम दोनों अकेले होंगे, वहाँ की लाइट फिर से चली जाएगी। आपने सही कहा था मैम, उसने फिर से हमें एक दूसरी जगह लाइट ऑफ करने को कहा है। और फिर मैं भेष बदल कर वहाँ पहुँच गया, ताकि मौका मिलते ही मैं तुम्हारा किडनैप कर लूँ। Yes, it's me, Yora. उस मास्टर को तो तुम्हारे थाने वालों ने बचा लिया, लेकिन तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? मैडम मेरी बच्ची को ढूंढ निकालिए, उसका कुछ पता चला, उसकी कुछ खबर आई, मैडम प्लीज उसे ढूंढिए। देखिए क्या कर रहा है जीती, करिश्मा मैडम ने कहा है ना कि बस बहुत हो गया इनको, और एंटरटेन नहीं करना है, इनका बहुत हो गया तमाशा। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग, यकीन कीजिए मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरी बच्ची 25 घंटों से घर नहीं आई है, पता नहीं किस हालत में होगी वो। अरे कोई माँ अपने बच्चे के लिए ऐसे झूठ बोलेगी क्या? अब समझ में आया भरोसा खोने का अंजाम क्या होता है? लेकिन मैडम मेरा यकीन कीजिए मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरी बच्ची सच में किडनैप हुई है, आप लोग उसे ढूंढिए, मेरा विश्वास कीजिए। मैं करती हूँ आपका यकीन, मेरी ह्यूमन कैलकुलेशन कहती है कि आपके सच बोलने के चांसेस 75% है, इसलिए आपका यकीन भी करना चाहिए और आपकी रिपोर्ट भी लिखनी चाहिए। आप लिखिए मेरी रिपोर्ट, प्लीज आप लिखिए। आपकी बेटी मिल जाएगी, यहाँ सब मिल जाते हैं, अभी आप जाइए, हम आपको बाद में कांटेक्ट करेंगे। क्या कर रही हैं आप मीरा मैडम? आप एक मशीन है, आप ऐसे प्रोमिसेस नहीं कर सकती, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। मेरे सॉफ्टवेयर को तो आप ह्यूमंस भी समझ नहीं आते, फिर भी मैं यहीं पे हूँ ना आप सबके बीच में। संतु जी लपेटे में हम लोग को बकलोल तो नहीं बोल रही हैं? और मैंने उन्हें कोई प्रॉमिस नहीं किया है, मैंने सिर्फ उन्हें तसल्ली दी है जो ह्यूमंस आम तौर पर एक दूसरे को देते हैं, आप इसे झूठ का ही एक रूप मान सकती हैं। झूठ बोलना भी सीख रही हूँ, बहुत जल्द वो भी बोलने लगूंगी।
मैडम देखिए कहा है कि इस बार जो हम कहना चाह रहे हैं ना आपसे, टाइम नहीं है मेरे पास वेस्ट करने के लिए, प्लीज अपना काम कीजिए। गजब यार गजब, ये हैंग कैसे होती है? शर्मा जी आप? मैडम जी हम आपके पास ही आ रहे थे। क्या बात है, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं आप। मुझे लगता है कि शालिनी जी इस बार झूठ नहीं बोल रही हैं। उन्हें वाकई में नहीं मालूम कि उनकी बेटी कहाँ और किस हालत में है। और आपको ऐसा क्यों लग रहा है? शालिनी जी मेरे पास आई थी, वो काफी परेशान थी, बहुत रो रही थी, माफिया मांग रही थी मुझसे। उन्होंने जो मेरे साथ किया था उसके लिए काफी शर्मिंदा थी। मैंने भी दुनिया देखी मैडम, इस बार वो झूठ नहीं बोल रही है, सुमुखी वाकई में गायब है। हे भोलेनाथ, ठीक है अगर ऐसा बात है तो हम पता करते। पुष्पा जी आप अपने खबरियों से गुमशुदगी का पता लगाइए। कोई तो चीज है, कोई तो एंगल है जो शायद हम देख नहीं पा रहे हैं। इसे किसी और नजरिए से देखने की जरूरत है। हो सकता है कि सब के पीछे कोई और हो, जो इस पूरी सिचुएशन का फायदा उठा रहा हो। हो सकता है कि शायद गुनहगार कोई और ही हो। एक मिनट, आपके कहने का मतलब है कि हो सकता है इस मामले में गलती किसी और ने की और फंस कोई और गया है? हाँ हमें ऐसा ही लगता है। अगर हमें जो लगता है वो सही है, अगर ये काम किसी और का है तो वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि इस माँ बेटी पर अब कोई भरोसा नहीं करता, ना पुलिस ना ही दुनिया। अब कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, कोई उनकी बात मानेगा नहीं। पर हो सकता है कि ये शख्स जो कि असली गुनहगार है इस पूरी बात का फायदा उठा रहा हो। अब तो हमको भी लग रहा है मैडम सर, आप सही कह रही है। ये जो कोई भी है ना, इसने किसी और की कढ़ाई में पकवान तला है। तो आँच और घी किसी और का और स्वाद वो इस काले चोर का। ठीक है करिश्मा सिंह, हमें लगता है कि अब इस केस के मामले में आपको सही एंगल मिल चुका है। इसी तरीके से सोचिए, हम फोन रखते हैं, हमें बहुत काम है। मैडम सर धन्यवाद हमें रास्ता दिखाने के लिए। करिश्मा सिंह हमने आपको कोई रास्ता नहीं दिखाया है। रास्ता भी आपका, मंजिल भी आपकी, हमें बस अपना सारथी समझिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। कौन हो सकता है, कौन है ये टोपा आदमी? हाँ जी पुष्पा जी सुनिए, अभी आपको ये पता लगाना है कि सुमुखी या उसके माँ के जो आस पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं या उसके जो रिश्तेदार हैं उसमें से किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई मन मुटाव तो नहीं है। आपको इस बारे में पता लगाना है अभी तुरंत। ठीक है हम आपको बाद में फोन करते हैं। सुमुखी के दोस्तों से तो हम पता लगाते हैं, राहुल को फोन करते हैं क्योंकि राहुल जो है वो सुमुखी के सारे दोस्तों को जानता है। एक बात नोटिस की आप लोगों ने? किया ना संतु जी, किए हम कि आपका चेहरा का जो चमक है, जलाल है, आज कुछ ज्यादा ही है। और पिछला कुछ दिन से बहुत ही ज्यादा चमक रहा है आपका चेहरा, क्या लगा रही हैं आप? चीते तुझे पता है सुनने वाले के कान पक गए तेरी घिसी पिटी लाइन सुन सुन कर। चीते कुछ अगर नया बोलना चाहता है ना तो बोल, बिंदास बोल, लेकिन अगर यही रिपीट कर रहा है ना तो चुप रहे, वो ज्यादा बेटर है। नया सुनना है आपको, सुनाएंगे हम, इंतजार कीजिए। हां तो मैं ये बोल रही थी कि कल रात को शर्मा जी के केबिन में जब लाइट गई थी तब ये लड़की थी वहां सुमुखी की मम्मी के साथ, और यही है वो लड़की जब 31 की रात को पार्टी हुई थी इसी ने लाइट बंद की थी। तो हो ना हो निशा का इस केस में जरूर कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है। कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक, अगर सुमुखी की किडनैपिंग हुई है जो कि मेरे हिसाब से हुई है, तो फिर किडनैपर्स ने ये प्लान पहले से बनाया होगा। और अगर उन्होंने ये प्लान पहले से बनाया होगा इसका मतलब उन्हें हमारा स्केड्यूल पता था, उन्हें ये पता था कि हम उस समय वहाँ उस कैबिन में मौजूद होंगे, इसलिए वो भी वहीं थे, छुपे हुए थे। लेकिन कैसे, उन्हें ये कैसे पता था कि हम वहाँ पे मौजूद होंगे? क्या हम में से कोई उन किडनैपर्स के साथ मिला हुआ है? गजब, ये कौन गणित भिड़ा कर आप ऐसे बोल रही हैं मैडम? ओके, इस वीडियो में एक और बात दिखाई देती है कि ये जो लड़की इस वीडियो में दिखाई दे रही है ये सुमुखी की किडनैपिंग अकेले नहीं कर सकती, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन इसमें उतना फिजिकल पावर नहीं है ये अकेले उसकी किडनैपिंग करे। इसके साथ जरूर एक और पार्टनर होगा जिसने सुमुखी को बेहोश किया और फिर उसे किडनैप किया। और एक और बात नोट करने वाली है, ये जो कॉरिडोर की सीसीटीवी फुटेज है, जब सुमुखी की किडनैपिंग होती है तभी उसी समय लाली माँ ने जिन औरतों को भेजा था उनमें से भी एक औरत गायब थी। ध्यान से लाइट जाने से पहले और लाइट जाने के बाद की फुटेज देखो। करिश्मा सिंह को शर्मा सर की बात पर यकीन हो गया है,
कि सुमुखी का किडनैप हुआ है, इसलिए हमें सारे सबूत मिटाने होंगे जो करिश्मा सिंह को हम तक पहुंचा सकते हैं। तो सुमुखी का करना क्या है? ये तो बहुत जल्द वायरल होने वाली है, दुनिया भर में बस इसी के फैंस होंगे, हर कोई बस इसी का दीवाना होगा। मुझे ब्लैकमेल करने चली थी, अब देख मैं तुझे कैसे ब्लैकमेल करती हूँ। बहुत शौक है ना तुझे दोस्ती में धोखा देने का? हम दोनों मिलकर तेरी लाइफ स्पॉइल कर देंगे। प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज आई एम वेरी सॉरी, प्लीज। अगर करिश्मा सिंह को तुम पर जरा सा भी शक हुआ ना, तो ट्रस्ट मी, वो तुमको कहीं से भी ढूंढ निकालेगी। उसके बाद क्या होगा तुम दोनों को अच्छे से पता है, छोड़ेगी नहीं तुमको वो, सारा शहर करिश्मा सिंह का भौकाल जानता है। करिश्मा सिंह को कभी मुझ पर शक हो ही नहीं सकता, वो तो कब का मुझे क्लीन चिट दे चुकी है। इसका मुंह बंद कर। हेलो राहुल। हाँ वो हमें ना तुमसे मिलना था। महिला थाना के सामने बदनाम चाय वाला है ना, वहाँ आ जाइए। क्या सुमुखी गायब हो गई? नहीं 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 नहीं, हो ही नहीं सकता। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, ये मेरा गाना बहुत ही हिट था। पूरा सुना? अबे पूरा सुना ना, चाय फ्री में दूंगा। हम तुम्हें कुछ फ्री में दे अभी। तुम क्या कह रहे थे? आई एम श्योर ये उसका कोई नया प्लान है, सुमुखी गायब होने वाली चीज है ही नहीं। यही तो हमको लगा, लेकिन फिर भी हमने तुमको बुलाया कि भाई एक बार जो है, भैया तुम जो हो ना, तुम सुमुखी के बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम उसको प्रपोज करने वाले थे तो उसके बारे में काफी कुछ जानते भी होगे, है ना। अगर सुमुखी कभी ऐसा सोचे कि भाई मतलब कहीं एक दो दिन के लिए शांत एकांत जगह चली जाए, तो कहाँ गायब हो सकती हो? कुछ आइडिया है तुमको? हो सकता है वो रिचा के यहाँ गई हो, रिचा उसकी बैचमेट। नहीं नहीं नहीं, साक्षी के यहाँ। पर नहीं, साक्षी के यहाँ तो सब होते। मैडम हाँ, एक मिनट सर, एक मिनट आए जी। पुष्पा जी, शर्मा जी के केबिन में वो एक औरत जो लाइट आने से पहले नजर आ रही थी और लाइट आने के बाद वहां से गायब हो गई थी, उस औरत का पता चल गया। क्या बात करी है? हमने उसका फोन नंबर ढूंढ निकाला, उसके साथ बात की, तो पता है उसने क्या बताया? क्या बताया? उसने बताया कि हमने लालिमा के दरबार में उसके भक्त बनने के लिए जिन औरतों को बुलाया था ना, वो उसमें से एक थी, मगर एक लड़के ने उसको बहुत सारे पैसे दिए थे ताकि वो लड़का खुद साड़ी पहनकर उसकी जगह पे खड़ा हो जाए। मतलब ये कि सुमुखी का अपहरण हुआ है और उस लड़के ने किया है जो वहां पहले से मौजूद था साड़ी पहनकर। कौन है ये? पता चल गया हमें अपहरणकर्ता के बारे में पता चल गया। आप एक काम कीजिए, आप शर्मा जी को जल्दी बुलाइए और सुमुखी के जो बाकी दोस्त हैं उनके बारे में तफ्तीश कीजिए। पुष्पा जी। हाँ जी। चलो चलो जल्दी निकलो, करिश्मा सिंह आती होगी। इंजेक्शन दे दिया ना? हाँ, अब ये घंटों तक होश में नहीं आएगी। हमने आप दोनों को इसलिए बुलाया है कि सुमुखी तक पहुंचने की लीड मिल गई। अच्छा सर, आपने कहा था कि सुमुखी और उसके दोस्त कॉलेज बंक करके अक्सर कहीं मौज मस्ती करने जाया करते थे और आपने उन सबको एक दिन पकड़ा भी था। जी हाँ पकड़ा था। आपको वो जगह याद है कहाँ पकड़ा था और उसके साथ कौन कौन थे? जी हाँ जानता हूँ, मैंने उन सारे बच्चों को राहुल के डैडी के फार्म हाउस पे जो कि बल्लीपुर में है पकड़ा था। राहुल? और बाद में पता चला कि वो सारे लड़के कॉलेज बंक करके वहीं टाइम पास करने जाया करते थे। अच्छा करिश्मा जी, हमको लगता है आपको राहुल ना बल्लीपुर रोड पर उसके पापा का फार्म हाउस है वहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि शर्मा सर बता रहे थे राहुल निशा उनके सारे दोस्त वहीं पे जाते थे कॉलेज बंक करके मटर कस्ती करने के लिए। जी मैडम, मेरी बच्ची को बचा लीजिए प्लीज। आप इत्मीनान रखिए, वो मिल जाएगी
की मैया की सासू मैया, तुम हमारे हाथ से नहीं बच के जाओगे। तुम्हारी तो चीते चीते, मीरा और संतू को बोलो कि शहर से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता, उसको तुरंत ब्लॉक करें। हाँ, और कुछ भी गड़बड़ नजर आए किसी भी गाड़ी में सबको रोक दे और सबकी तलाश ले। हाँ, हम भी वहीं पहुंच। ये कबूतर हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए, समझ रहे हो हमारी बात को? हाँ चलो जय। चेहरा दिखाइए, चेहरा दिखाइए। रुको, शर्मिंदगी का बात है एक औरत होने के नाते, कभी सोचा है आपने? आप जैसी ना समझ औरतें जो इतना आसानी से किसी भी मर्द पर इल्जाम लगा देती हैं और फिर उतना ही आसानी से बोल देती है कि हाँ हमसे गलती हो गया, उस गलती की वजह से आपको पता है सामने वाले पे क्या बीतती है? कभी सोचा है इसके बारे में? उसकी इज्जत का कचरा हो जाता है, उसके घर वालों के सामने ना उनकी नजरों में गिर जाता है वो आदमी, और फिर उसके घर वाले अलग बाकी सबके नजरों में गिरते हैं, वो बात अलग। हमारे देश में औरत को देवी माना जाता है और जहां तक हो सकता है उसे वो मान वो सम्मान मिलता भी है। कोई भी औरत बीच सड़क पर खड़ी होकर किसी मर्द की तरफ उंगली उठाकर बस एक बार भी कह देना कि इस मर्द ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है, हजारों हाथ खड़े हो जाते उसे सबक सिखाने के लिए। हमारे संविधान में औरतों के लिए विशेष अधिकार रखे गए हैं, कई अलग और सख्त कानून है, इतने सख्त कि कोई आम आदमी नाम लेने से भी कांपेगा। लेकिन दुख इस बात का है कि सुमुखी जैसे नासमझ लड़कियां और कुछ औरतें हैं जो औरत होने का गलत फायदा उठाती है, अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करती हैं। और इससे क्या होता है, वो औरत जिसके साथ सच में कुछ गलत हुआ हो, वो औरत जिसको सच में हमारी मदद की जरूरत हो, वो जगह जहां पर औरत नहीं मर्द गलत हो, वहां पर भी हम औरत लोगों को ना सख्त की निगाह से देखते हैं। पता नहीं कहीं ये अपना विमेन कार्ड खेल रही है, इस मर्द को फंसाने के चक्कर में अपने कार्ड का गलत इस्तेमाल कर रही है, समझ रही हैं? वही है ना, वही भेड़िया आया वो कहावत तो आप लोगों ने सुना ही होगा, पर जब भेड़िया सच में आता है तब मदद के लिए कोई नहीं आता है, और वही हम खुद के लिए कर रहे हैं। खुद का भरोसा खुद ही खो रहे हैं, खुद के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। अम्मा देखिए, औरत हो या मर्द हो, दोनों का इज्जत दोनों का सम्मान बराबर का होना चाहिए। घुसा भेजे में कुछ आपके? हाँ मैडम जी, हमें सच में माफ कर दीजिए, हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, हमें माफ कर दीजिए। शर्मा सर, आप भी हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है सर। सॉरी मैम, आगे से ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैडम, आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी तरफ से सैल्यूट। हेलो मैडम, हमें बचा लीजिए मैडम, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं मैडम। कौन? वो सब बताने का टाइम नहीं है मैडम, प्लीज हमें बचा लीजिए आप। कहाँ मैडम सर, आप भी, आपको भी हम ही मिले हैं खींचने के लिए। हाँ तो आपने हमें पहचान ही लिया करिश्मा सिंह। मैडम सर पहचान लिया मतलब, अब हमसे क्या छुपाएंगी आप? आप सात आसमान दूर छुप जाएंगे ना, वहां से भी आपको खोज कर ले आएंगे। पर एक रिक्वेस्ट है मैडम सर आपसे, आप ना ऐसा मजाक हमारे साथ मत कीजिएगा, क्या हम थोड़ा सेंसिटिव है आपको लेके, आप हमें मदद के लिए पुकारती हैं तो हमारा कलेजा फट जाता है। अच्छा बाबा सॉरी, आज के बाद ऐसा मजाक हम कभी नहीं करेंगे। वैसे मैडम सर आप कब वापस आ रही हैं?
बहुत जल्द हमारा काम यहाँ बस खत्म ही होने वाला है। क्या बात, क्या हुआ करिश्मा सिंह? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो कांच का ग्लास पड़ा था पानी का, वो हमारे हाथ से ऐसे गिर गया, वो टूट गया। हो वैसे जानती है अभी पुष्पा जी यहाँ होती तो क्या होता, बवंडर मच जाता, बोलती हे भगवान इतना बड़ा शुभ हो गया, कोई विपदा आने वाली है, ऐसा करके बोलती। हाँ वो तो है। हेलो मैडम सर। हाँ करिश्मा सिंह। हेलो 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 करिश्मा सिंह, हेलो नेटवर्क। क्या हो गया हमको पता नहीं, आजकल कुछ भी थोड़ा सा होता है तो ऐसा अजीब सा हमें बेचैनी होने लगता है। मैडम सर प्लीज जल्दी वापस आ जाइए, आपके बिना कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है हमको। मैडम सर वो हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे आज की आपका जन्मदिन बोलना चाहते हैं ना तो नहीं बोल पाते हैं, समझ रहे हमारी बात को? तो भग नहीं होगा हमसे, ये हटाओ कैमरा, हटाओ हटाओ उसको हटाओ। नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए, हम सब वीडियो बना रहे हैं ना, आप भी बनाएंगे तो मैडम सर को बहुत अच्छा लगेगा, एक बार फिर से ट्राई करते अच्छे से बनेगा। ओके अच्छा कोई बात नहीं मैडम, आप ना हमारा वाला वीडियो दिखाइए, प्रेरणा मिलेगा मैडम को। तूने तो सिर्फ हैप्पी बर्थडे मैडम सर ही तो बोला है। हाँ तो प्रेरणा तो उससे भी मिलेगा ना, देखिए ना। नहीं चाहिए हमको तुम्हारा प्रेरणा, जाओ उधर जाके खेलो, जाओ। आ जाओ बाबू, मारे मार रानी मार। मैडम एक बार लास्ट बार ट्राई करते, एक बार गहरी सांस ले लीजिए और अच्छे से वीडियो बनेगा, ठीक है? हाँ तो ठीक है करते एक बार और प्रयास, काहे नहीं हो सकता हमसे, बिल्कुल हो सकता है। मैडम सर आज आपका हैप्पी बर्थडे है और आपके लिए हम वही सोच रहे थे कि आपके लिए क्या गिफ्ट लिया जाए। नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा है इसमें हंसने का क्या बात है पुष्पा जी, खीसे काय ने पोर रही हैं आप, समझाएंगे हमको? नहीं वो मेंढकी के मुंह से कोयल की आवाज सुनाई दे रही ना, तो इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी हंसी आई। अच्छा बाप रे बाप पुष्पा जी, वाह गजब पुष्पा जी, ऐसे दिन भर मैडम को पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, बस ये मेंढक बाकी रह गया था वो भी कसर पूरा कर दिया। अरे मेंढक नहीं मेंढकी बोले है, मेंढकी 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 बोले ना, बस जाओ जाके बैठ जाओ खेलो जाओ। हाँ, और पुष्पा जी हमको समझ में नहीं आता है आपका, नहीं मतलब हम क्या करें, हम आपकी हिम्मत का दाद दें या फिर आपकी जो मूर्खता है ना उस पे अफसोस करें, अफसोस वाला ज्यादा बेटर रहेगा। क्या बोल रहे हैं आप मेंढकी, ये जो ये बेसुरी ये जो सड़ा हुआ मेंढकी का आवाज है ना, इसी पे लट्टू होके ना आपके लल्ला वो बिहा कर घर लाए थे आपके, हाँ इसी के लिए ना सोते जागते गीत गाते रहते हैं प्यार मोहब्बत के, समझ रहे हैं हमारी बात को? तो करेगा भी क्या बेचारा हमारा लल्ला, हाँ अब जो ढोल गले पड़ गया है उसे ही बजाएगा ना, और कोई विकल्प है हमारे गरीब भोले बेचारे मासूम लल्ला के पास? और अगर इतना ही आपके मन में प्यार का झरना उमड़ रहा है ना तो दो चार बूंदे मैडम सर के लिए भी बरसा दीजिए ना। हाँ कर रहे हैं आप, चुप बैठेंगे तो करेंगे ना। हाँ अभी शांति, अभी खत्म करो इसको। हाँ मैडम सर आज आपका हैप्पी बर्थडे है और हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप क्या सबकी सब, हाँ उठो निकलो, चलो निकलो बाहर निकलो, निकलो तुम क्या निकलो, निकलो तुम भी निकलो यहाँ से, चलो बाहर निकलो चलो चल, बड़ा हंसी आ रही है ना सबको। मेरा प्ले टाइम है, दिमाग खराब कर दिया हमारा। हाँ तो मैडम सर हम ये कह रहे थे कि आप और आई हाँ सर, तू देखना चाहती थी कि अब आप वीडियो अच्छे से बना रहे कि नहीं। हाँ, हाँ। मैं हाँ, मैं? हाँ। सिर्फ संतु चेक करने आई थी तो सिर्फ संतु का ही नहीं है, बाप करना ही नहीं है हमको, ये नहीं करना है हमको, ये हम खुद से कर लेंगे ठीक है, हमें किसी का जरूरत नहीं है, आप सब लोग जाइए यहाँ से। हाँ ठीक है, घर पे जाके रिकॉर्ड कर लेना लेकिन याद से आज ही रिकॉर्ड करना क्योंकि कल मैडम सर का बर्थडे है ना, है ना? जी जी वैसे मैडम सर का आने का टाइम तो हो गया, आई नहीं अब तक। अरे बस आती होंगी, कहीं अटक गई होंगी ना।
हाँ अम्मी कहिए क्या हुआ? सालगिरह मुबारक हो मेरी बच्ची, हैप्पी बर्थडे। वाह क्या बात है अम्मी, अब ये दिन आ गए हैं कि हमारी खुद की अम्मी हमें फोन पर जन्मदिन की मुबारकबाद देगी, कमाल की बात है। ऐसे अम्मी अब आपको मान लेना चाहिए कि आप बूढ़ी हो चुकी हैं, क्योंकि हमारा जन्मदिन आज नहीं कल है। हमें मत सिखा, अम्मी है तेरी, हमसे ज्यादा कौन अच्छे से जान सकता है तेरी सालगिरह के बारे में। हम 7 तारीख कभी भूल सकते हैं भला? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भूल सकती आप, इसलिए 6 तारीख भी आपको 7 तारीख की लग रही है। मतलब आज 6 तारीख है, हमारा जन्मदिन कल है। ठीक है ठीक है, कल कौन सा अगले साल आने वाला है, कल भी तो कल ही आएगा, फिर से दे देंगे मुबारकबाद। अच्छा हुआ तूने बता दिया, हमने तो आज ही तेरे सारे पसंदीदा खाने की तैयारी शुरू कर दी थी, सारी मेहनत बेकार जाती। कोई बात नहीं, कल फिर से बना देंगे सब फ्रेश फ्रेश। और सुन तेरे खाने में से सबको कल खाने पे बुलाना। अम्मी अम्मी रिलैक्स, उनमें से किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, वो वैसे ही आ धमकेंगे, वो तो बहाना ही ढूंढते हैं आपके हाथ का खाना खाने के लिए, खीर खाने के लिए, तो आ जाएंगे वो। ठीक है चलिए अब हम फोन रखते हैं, हम बस थाना पहुंचने वाले हैं। ओके बाय। अरे 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 उठिए 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 उठिए, आराम से संभाल के उठिए उठिए। I'm so sorry, आपने देखा नहीं आसपास आप? अरे मैडम मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं, और मुझे जाना है मैडम। नहीं नहीं आपको बहुत चोट लगी है, रुकिए देखिए सुनिए, हम आपको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, फिर आपको जहाँ जाना है हम ले चलेंगे। चलिए। अरे मैडम आप समझ क्यों नहीं रही, मुझे कहीं जाना है, मुझे ये डिलीवरी करना है, आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। आप हमारे साथ पहले डॉक्टर के पास चलिए, आइए आइए कुछ नहीं होगा, चलिए मैडम चलिए चलिए पहले डॉक्टर के पास चलिए, आप बैठिए गाड़ी में बैठिए। आप हसीना मलिक है ना, SHO महिला थाना, काफी सुना है आपके बारे में। जी और आप? सत्या चौबे। माफ कीजिए हमारी वजह से आपको चोट लग गई। नहीं नहीं गलती मेरी थी, मैं जल्दी में था। लेकिन आप इतनी जल्दी में हैं ही क्यों, ना आपने आगे देखा ना पीछे देखा, अगर कोई और गाड़ी होती तो शायद आपको ज्यादा चोट लग जाती या शायद आपकी जान चली जाती। जान प्यारी नहीं है आपको? जान किसे प्यारी नहीं है मैडम, फिर भी इतनी जल्दबाजी। मैडम ये डिलीवरी मुझे सही जगह पर सही समय पे पहुंचानी है। अपने काम के लिए डेडिकेशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, सो प्लीज जरा ध्यान रखिएगा। और वैसे भी डिलीवरी तो है, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता तो कौन सी कयामत आ जाती। मैडम अगर ये बैग सही वक्त पे सही हाथों में नहीं पहुंचे तो वैसे भी कयामत आ ही जाएगी। क्यों ऐसा क्या है इस बैग में? मैडम आप प्लीज गाड़ी रोकिए, मुझे उतरना है, मुझे जल्द से जल्द डिलीवरी करनी है। अब समझ क्यों नहीं रही, मैं उसके बाद अपना इलाज करवा लूंगा। मैडम आप प्लीज गाड़ी रोकिए। मैडम आप अगर मेरी जगह होती तो अपनी ड्यूटी के लिए अपनी जान की परवाह करती, सबसे पहले अपना फर्ज निभाती ना। जी हाँ हम अपना फर्ज ही निभा रहे हैं। देखिए फिलहाल हमारे लिए सबसे जरूरी है आपको डॉक्टर के पास ले जाना और आपको मेडिकल अटेंशन दिलवाना। एक बार वो हो जाए कि फिर आप जहाँ जाना चाहते हैं हम आपको खुद लेकर चलेंगे। ठीक है ये डिलीवरी करवाने में हम आपकी मदद करेंगे, सो प्लीज रिलैक्स शांति से बैठिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। बस आइए। अगर पुलिस जीप यहाँ है इसका मतलब वो दोनों इसी हॉस्पिटल में गए। डॉक्टर मैडम आप समझ नहीं रही, मुझे जल्दी ये डिलीवर करना है। मैडम आप समझ नहीं रही। हाँ हाँ हम सब समझते हैं, हम बस यूं गए थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज करके और हम डॉक्टर को लेकर आएंगे। ठीक है आप बैठिए, हम बस यूं गए और यूं आए। बैठिए प्लीज प्लीज बैठिए बैठिए। अरे आप अंदर कहाँ जा रहे हो इस वार्ड में? जी वो वार्ड में एक पेशेंट है तो हम उसी को मिलने जा रहे हैं। हाँ बस उसी से थोड़ा जी। अरे जरा
संभल कर चलना, अभी मेरी दवाई गिर जाती तो। नर्स। और तुम लोगों को इतना क्या जल्दी है, पेशेंट है, पेशेंट भी तो देखो ना। रोक! अरे कहाँ चला गया? माँ ये टी बैग मुझे देना, मैं आज ग्रीन टी पीऊंगा। बेटे देखो कितना बाहर आ गया, ऐसा अंदर जाना चाहिए। बस ये टी बैग नहीं है, फिर ये तावीज है, तावीज। ओह माय गॉड, अभी समझा, ये और एक टोटका है अपने बहू को वश में करने का। आई एम राइट? ये अच्छा है पुष्पा जी, कम से कम वो बरगद के पेड़ पे चढ़ के जो टोटके करती थी ना, उससे तो बहुत अच्छा है। क्या कुछ भी पके जा रहे? अरे ये तावीज तो हमने मैडम सर के लिए बनवाया है कि भगवान उन्हें हर बला से सुरक्षित रखे। कल देंगे हम उन्हें उनके जन्मदिन पर, मतलब सरप्राइज के जन्मदिन के बाद। नहीं नहीं माँ, मैडम सर के बर्थडे के सरप्राइज के बाद। हाँ हाँ, वैसे वैसे आ रहे थे। पैसा बहुत आती है। हाँ, बड़ा बड़ा करछी देख लिया, लेकिन आप जैसा बड़ी चम्मच नहीं देखा हमने। हाँ ना, मतलब कुछ भी मौका नहीं छोड़ती आप मैडम सर को मक्खन लगाने का। मक्खन नहीं लगा रहे हम। अच्छा, ये हमारा प्यार है, ये सम्मान है उनके लिए। मगर आपको कहाँ पता है सम्मान क्या होता है, प्यार क्या होता है, क्योंकि आपको तो किसी को सम्मान देना ही नहीं आता। अच्छा लो कल्लो बात, हमको सम्मान देना नहीं आता। देखो देखो संतु क्या कह रही है, हमें इज्जत करना नहीं आता, क्या हम इनका सम्मान नहीं करते? तुम हाई तो तुम ना। हाँ हाँ, अरे करती है वो, भर भर के हमारा सम्मान करती है। आप सारी दुनिया तो देखती है रोज, कैसे हमारा सम्मान करती है, कैसे घर का सारा बदला यहाँ थाने आकर लिया जाता है हम पर, है कि नहीं संतू? नहीं नहीं, ये इनबिल्ट इनका प्रतिभा है, कैसे यहाँ का बात वहाँ ले जाए ना, यही करती आई है, यही करती रहेंगी। और क्या है ये, क्या मोर बन रहे हो तुम? हाँ क्या दिक्कत है तुम्हारा? आपके तीन और उनके तीन पॉइंट हो गए। हाँ हो गया, बराबर हो गया ना, खत्म करो। जब हमने कह दिया था कि मैडम सर का जो सरप्राइज है वो सरप्राइज ही रहना चाहिए, तो आप अपना चमची का घुमाइए, बीच में हमको समझ में नहीं आता ये सरप्राइज क्या होता है। Let me explain. मीरा जी come with बिल्लू निवास। इधर ही एक्सप्लेन करते हैं। ये कुछ ज्यादा ही नहीं फैल रहा है बिल्लू आजकल? मीरा जी, मैं आपको बताता हूँ सरप्राइज क्या होता है। सरप्राइज वो होता है जब आपके सामने आपके लिए कोई गिफ्ट रखे और वो गिफ्ट देकर आप चौंक जाती है ऐसे, ओह माय गॉड, उसको कहते हैं सरप्राइज। ओके सरप्राइज, किसी को अचानक बिना बताए कुछ दे देना, वही सरप्राइज है। एकदम सही, आपकी बात की प्रामाणिकता जांच रही थी बिल्लू जी, पर आपने कहा था सरप्राइज मिलने के बाद लोग खुश होते हैं, आप तो दुखी लग रहे हैं, कंफ्यूज्ड ह्यूमंस। अरे बदनाम भाई, बदनाम भाई, मैडम सर, मैडम सर, जय हिंद, जय हिंद मैडम सर, जय हिंद, जय हिंद। ये तो सत्या का बैग है, यहाँ कैसे आया? मैडम अगर ये बैग सही वक्त पे सही हाथों में नहीं पहुंचे तो वैसे भी क्यामत आ ही जाएगी। ये तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता है? मैडम सर, ये लीजिए बदनाम, स्पेशल आपके लिए। थैंक यू सो मच बदनाम, लेकिन हम घर से बहुत अच्छी चाय पी कर आए। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। जय हिंद। एक मिनट, यही रुकिए, यही रुकिए। पुष्पा जी आ गए, आ गए, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे। आप अरे बाप, मैडम सर, भगवान आप पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, आपकी सुरक्षा करे,
बस करो बस करो, अभी अभी मैडम सर आई है, वापस चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं हम अभी रख के आते। अब लग रहा है ना थाने वापस आए। हाँ, अब अपना थाना भी पूरा लग रहा है। मैडम सर, हमने और अपने थाने ने आपको बहुत याद किया। सच में हमने भी आप सबको बहुत याद किया। वो कहते हैं ना कि जहाज का पंछी उड़कर चाहे कितना भी दूर क्यों ना चल जाए, लौट कर अपने जहाज पर ही आता है। जहाज का पंछी, लेकिन पंछी इतनी ऊंचाई पर पहुंचा कैसे? संतोष जी, उड़ने वाला जहाज नहीं, तैरने वाला जहाज। हाँ ठीक है। मैडम सर, बहुत मिस किया आपको, आपके बिना ना कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था यहाँ पर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हमें ऐसा लगता है कि इस थाने के लिए जितने हम जरूरी हैं, उतने ही आप सब हैं। जैसे पांच उंगलियों के बिना मुट्ठी नहीं बन सकती, ठीक उसी तरह हम सब के बिना ये थाना अधूरा है। छह उंगलियों से रोशन होता है, इस मुट्ठी के हम भी एक उंगली है। तुम्हें क्या हुआ, तुमने ये हाथ क्यों रखा हुआ है मुँह पे? वो दांत में दर्द हो गया है बिल्लू के। क्या बिल्ले, कैसे बताओ? बताओ बताओ बिल्लू बताओ। हाँ हाँ, पता नहीं दिल का दर्द दांतों में कैसे आ गया। एनीवेज, करिश्मा सिंह आप कैसी हैं? हम बहुत अच्छे हैं मैडम सर, और जैसा आप हमें जिम्मेदारी छोड़ के गई थी कि जो हमें थाना है आपके तरीका से निभाना है, हमने पूरा प्रयास किया पूरे दिल से कि हम थाना जो है आपके तरीका से निभाए। हम सब जानते हैं करिश्मा सिंह, हमारी डीएसपी सर से बात हुई थी, सब कुछ बहुत अच्छे से किया है आपने करिश्मा सिंह। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। इनफैक्ट सिर्फ हम ही नहीं, पूरे डिपार्टमेंट को आप पर बहुत गर्व है। गुड जॉब। धन्यवाद मैडम सर, आपका कहना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आगे भी हम प्रयास करेंगे कि हम आपके तरीका से चले, कोई लात घुसा नहीं। हाँ, ऐसा रिसोल्यूशन भी लिया था इन्होंने। हाँ हाँ, हमें पूरा यकीन है। नया बैग खरीदा है मैडम सर? नहीं नहीं, ये हमारा बैग नहीं है। दरअसल हमने किसी को अपनी गाड़ी से छोड़ा था, वो अपना बैग भूल गया है, और अब उसे ढूंढे कैसे हमें पता नहीं, क्योंकि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। अरे मीरा मैडम है ना, वो ऐसे ढूंढ निकालेंगे इसको। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं, मीरा हमारी मदद कर सकती है। करिश्मा सिंह, इस मामले में हम मीरा की मदद ले लें। अरे मैडम सर, ये पूछने का क्या बात है, आप मीरा का मदद ले सकती हैं, और मीरा फिर किस दिन काम आएगी? क्या बात है करिश्मा सिंह, हम जब से आए हैं आपने एक बार भी मीरा को टीन का डब्बा नहीं कहा। बहरहाल जो भी है, बहुत अच्छा हुआ है, हम इस मामले में मीरा की मदद ले सकते हैं, लेकिन कैसे, सिवाय उसके नाम की हम कुछ नहीं जानते। सत्या चौबे। मीरा मैडम सर जो कह रही हैं, इस आदमी के बारे में पता लगाइए, सत्या चौबे नाम है, बताइए कहाँ हो सकता है अभी। ओके, वैसे मैडम सर इस बैग में है क्या? हमने खोलकर नहीं देखा। मैं देख सकती हूँ, इसमें हार्ड ड्राइव है। बता हार्ड डिस्क कहाँ है? हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं आप? मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने पूछा हार्ड डिस्क कहाँ है, बोल। आप लोग मेरी बात मान क्यों नहीं रहे? आपके बताए हुए नाम और हुलिये के हिसाब से कोई इंसान नहीं मिल रहा है। नो मैच फाउंड। क्या, ये कैसे हो सकता है? उसने अपना नाम तो यही बताया था हमें। इज इट पॉसिबल कि आप उसका नाम भूल रही हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें अच्छे से याद है, उसने अपना नाम बताया था, सत्या चौबे। तो हो सकता है कि वो आदमी आपसे झूठ बोल रहा हो। आप लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे? तेरी बात का विश्वास करूं? नाम बदल बदल के रखता और विश्वास की बात करता? ले विश्वास, विश्वास, विश्वास। सच सच बता, हार्ड डिस्क कहाँ है, वरना जिंदा गाड़ देंगे यहीं पे, समझा? वाह, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे जाने दो। जाने दो, वो जो कोई भी है वो हमें तो जानता है, जानता है कि हम उसे कहाँ मिलेंगे, तो हो सकता है कि वो ये हार्ड डिस्क ढूंढता हुआ यहाँ आ जाए। लेट्स होप। ओके, रुको मीरा, एक बात बताओ, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसे चल रही है? ऑल गुड मैडम सर, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। ओके, जैसे? अबे झापड़ी के, ऐसा कान के नीचे बजाऊंगा ना, एक कान से सुरसुरी, एक कान से बांसुरी की आवाज आएगी, समझा? चल अभी पतली गली से यहाँ से थरथरा ले, वरना तुझे यहीं पे हरभरा दूंगा। खड़ा खड़ा गो। बिल्लू। जी मैडम सर। और अम्मा देखो, दिमाग का गुब्बारा तो हमारा उड़ा होगा, समझे? वरना ऐसी झाड़ू बनाएंगे ना तुमको कि जिंदगी भर कचरा साफ करने के काम आओगे, समझ लो बात को। करिश्मा सिंह। यस मैडम सर। और आज एक नया शब्द और उसका मतलब भी सीखा, सरप्राइज। जब इंसान दूसरे इंसान को बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए, अचानक कुछ दे देता है,
वही सरप्राइज होता है, जिसके मिलने पर इंसान कभी खुशी से रिएक्ट करता है, वाओ, ये मेरे लिए, और कभी कभी दुखी होकर रिएक्ट करता है ऐसे। ओके ठीक है, लेकिन तुम्हें अचानक से ये सरप्राइज के बारे में सीखने की जरूरत क्या पड़ गई? आपकी आने की खुशी में संतोष, बिलू जी और पुष्पा जी आपके लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं, पर उन्होंने ये भी कहा है कि ये बात मैं आपको ना बताऊं। अच्छा, पर वो ये भूल गए कि मैं उनके ऑर्डर्स नहीं लेती, मैं सिर्फ करिश्मा मैडम के ऑर्डर्स लेती हूँ। ठीक है मीरा, हम तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, हम तुमसे एक ह्यूमन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या हमारी रिक्वेस्ट मानोगी? रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, कहिए मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? बताते, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमें ये प्रॉमिस करना होगा कि तुम इस बात का जिक्र भी किसी के सामने नहीं करोगी, क्लियर? प्रॉमिस। ओके, सुनो तुम्हें क्या करना है। आप लोग मुझे मार डालो, पर फिर भी मैं यही कहूंगा कि मुझे कुछ नहीं पता डिस के बारे में। हम भी देखते हैं तू कब तक मुंह नहीं खोला। तेरे तो हलक से खींच कर निकालेंगे डिस का पता। ए रुक। अम्मी हम घर आ गए, लेट नाइट वॉक पे ना चली गई हूँ। डर गई ना? सच बता डर गई ना? अम्मी क्या, पहले ये बता तू डर गई कि नहीं? अब आपकी उम्र इतनी हो गई है फिर भी आपका बचपना खत्म नहीं हुआ, जाना ही नहीं चाहिए। सच बताए वही है जो सच्ची खुशी देता है। तू बात को घुमा मत, पहले बता कि तू डर गई थी कि नहीं। हाँ हाँ डर गए थे, ये देखिए हाथ अभी तक कांप रहा है। ये बात। लेकिन अम्मी आप इतनी देर तक जागी हुई, इनफैक्ट हमें तो लगा कि आप शायद वॉक पर गई हैं। अरे तुझे बर्थडे विश करने के लिए, अब तो 12 बज गए ना, अब तो हो गई 7 तारीख, अब तो सही डेट है ना तुझे विश करने के लिए। बिल्कुल सही डेट। हेलो क्या करें सर, हार्ड डिस्क के बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं था, किचकिच करके दिमाग खराब कर दिया था, गुस्से में आके छोटे ने दो चार एक्स्ट्रा रख दिया, मर गया साला, लेकिन हार्ड डिस्क के बारे में कुछ नहीं बताया उसने। लेकिन कुछ कुछ अंदाजा है कि वो हार्ड डिस्क कहाँ हो सकती है, पकड़े जाने से पहले वो इस पुलिस वाली से मिला था, हो सकता है कि उसने वो हार्ड डिस्क इस पुलिस वाली को दियो। समझ गया सर, काम हो जाएगा। ओके क्या बोला सर ने? बोला कि किसी भी कीमत पर वो हार्ड डिस्क हासिल करो और इस पुलिस वाली को जान से मार दो। रेडी? रेडी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हसीना। पहले हम खिलाएंगे। अच्छा बनाया ना? बहुत कमाल का बनाया लीजिए। वाकई में अच्छा बनाया, बहुत बढ़िया बनाया, कमाल कमाल। अब हमारा फिर से एक गंदा सा गिफ्ट दीजिए। तू ना हमारा हर सीक्रेट पकड़ लेती है, ये ले। लेकिन असली सीक्रेट तो इसके अंदर है। हाँ? देख देख खोल के देख, ये क्या है? कौन है ये? इसमें से किसी एक को चुन और अपना घर बसा ले। अम्मी देखिए हमारे बस बहुत हो गया, हद होती है हर बात की, आखिर कब तक इंतजार करेगी तू उस अनुभव का? और हो सकता है वो आए भी ना। अम्मी हम उसे अब ये मत कहना कि तू उसे भुला चुकी है, अम्मी है हम तेरी, अच्छे से जानते हैं कि तू उसे एक सेकंड के लिए भी नहीं भुला पाई है ना? इस बात को स्वीकार करने में बहुत ज्यादा समय लगा दिया कि हम आपके बिना नहीं रह सकते। हसीना जी, हसीना जी, क्या आप अपना संपूर्ण जीवन हमारे साथ व्यतीत करने के लिए तैयार हैं?
अब ऐसा कुछ नहीं होगा हसीना जी, हम आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, वादा करते हैं। देख बेटा, आज ना तुझे एक पते की बात बताते हैं। ये जो प्यार है ना, उसका नसीब ही ऐसा है कि वो अधूरा ही रह जाता है। जब मिल जाता है तो रिश्ता बन जाता है, लेकिन जब रिश्ता बन जाता है तो जिम्मेदारियां आ जाती है, और प्यार जब जिम्मेदारी बन जाता है ना तो उसकी तपिश खोने लगता है। यही जिंदगी की सच्चाई है बेटा, इसीलिए कह रहे हैं कि इसमें से एक लड़की को चुन और जिंदगी में आगे बढ़। हर चीज वक्त के हिसाब से सही लगती है, और यही सही वक्त है जिंदगी को और एक मौका देने का। हो सकता है तेरी आगे की जिंदगी तेरे गुजरे हुए कल से बेहतर हो, तेरी आगे की जिंदगी का अनुभव कल से अच्छा हो। चल, अब देर हो रही है, हम सोने जाते हैं। हाँ सुनिए, नहीं अब डेढ़ महीने के लिए जा रही हूँ। हमेशा के लिए नहीं जा रही। चलिए आप जाकर सोइए, हम थोड़ी देर न्यूज वगैरह देखकर फिर सोने आते हैं। केक भी तो खत्म करना है। हाँ। गुड नाइट। गुड नाइट। आप सही हैं अम्मी, नहीं भुला पाए हम अनुभव को। बहुत कोशिश करते हैं पर नहीं भुला पाते हैं उसे। पर इतना तो पक्का है कि उसने हमें भुला दिया है। याद होता तो कम से कम आज के दिन तो फोन करता। केक खाओ, खुश रहो। यही है वो आदमी जिसने अभी कुछ ही देर पहले इमारत से कूदकर खुदकुशी की है। कौन है ये आदमी, कहां से आया है ये आदमी, क्यों की इसने खुदकुशी, ये सारे सवालों के रहस्य अभी तक घर में छुपे हुए हैं। ये कैसे हो सकता है, ये तो सत्य है, इसे तो हमने आज ही। जान प्यारी नहीं है आपको? जान किसे प्यारी नहीं है मैडम, डिलीवरी मुझे सही जगह पर सही समय पे पहुंचानी है। डिलीवरी तो है, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता तो कौन सी कयामत आ जाती मैडम। अगर ये बैग सही वक्त पे सही हाथों में नहीं पहुंचे तो वैसे भी कयामत आ ही जाएगी। जो अपनी जान को कीमती समझता हो वो सुसाइड कैसे कर सकता है। हेलो, ये सब कैसे हुआ? क्या करें सर, हार्ड डिस्क के बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं था, खिचखिच करके दिमाग खराब कर दिया था, गुस्से में आके छोटे ने दो चार एक्स्ट्रा रख दिया, मर गया साला। लेकिन हार्ड डिस्क के बारे में कुछ नहीं बताया उसने। पकड़े जाने से पहले वो इस पुलिस वाली से मिला था, हो सकता है कि उसने वो हार्ड डिस्क इस पुलिस वाली को दियो। समझ गया सर, काम हो जाएगा। ओके, क्या बोला सर ने? बोला कि किसी भी कीमत पर वो हार्ड डिस्क हासिल करो और इस पुलिस वाली को जान से मार दो। क्या कर रहा है ये? अभी ठोक देते हैं ये पुलिस वाले को। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? अरे कंफर्म तो कर ले, हार्ड डिस्क किसके पास है या नहीं है। बार बार पे घर निकालता है ना अंदर। परेशानी है, पीछा क्यों कर रहे थे हमारा? हेलमेट निकालो, हेलमेट निकालो, निकालो। आईडीज दिखाइए, अपने अपने दिखाइए आईडीज। क्या नाम, क्या तुम्हारा? आईडीज दिखाइए। कौन है ये लोग, हमारा पीछा क्यों कर रहे थे?
मीरा जी, give me some air. बचपन से ही हमारा जो है वो थोड़ा सा समस्या रहा है. मतलब हम जो कहना चाहते हैं ना वो हम कह नहीं पाते हैं. मतलब हम जो भावना व्यक्त करना चाहते हैं उसके लिए शब्द नहीं मिलते हैं हमें. हमें नहीं पता आज का दिन किसी के लिए कितना खास है या मायने रखता है या नहीं रखता है. हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि अगर आज का दिन नहीं होता तो आज आप नहीं होती हमारी जिंदगी में. मैडम सर आप बहुत खास हैं. आप इतनी खास हैं कि आपके साथ जो इंसान रहता है ना वो भी बहुत खास हो जाता है. हमारा तो पूरा वजूद ही मैडम सर आपका परछाई है. आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक. आप यहाँ रहती हैं हमारे हमारे दिल में रहती हैं और हमेशा रहेंगी. आप नहीं तो हम भी नहीं. लव यू मैडम सर. हैप्पी बर्थडे. वाओ, मतलब क्या वीडियो बनाया है. वैसे दिल निकाल कर कैमरे के सामने रख दिया है आपने, है ना? अच्छा लगा तुमको? इट्स गुड बट नॉट वाओ. कंटेंट अच्छा है लेकिन इमोशन की कमी है. अच्छा, और तुम इमोशंस का बात कर रही हो. जिसमें इमोशंस का अकाल पड़ा हुआ है वो हमको इमोशन सिखाएगा? क्यों नहीं, सीखा तो किसी से भी जा सकता है. लेकिन इंसान है ना, सीखने में ईगो हर्ट होता है आपका. किसी और को अपने से बेहतर मानना इंसानों की फितरत में ही नहीं है. अगर आप कहें तो मैं यही लाइंस इमोशंस के साथ बोल के दिखा सकती हूँ. हाँ जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, दिखाओ दिखाओ आपको इमोशंस के साथ. ओके, होल्ड. या ऑलवेज. मैडम सर, आप खास हैं इसलिए जो भी आपके साथ रहता है ना वो भी खास हो जाता है. जैसे हम हो गए हैं. हमारा जो वजूद है ना आप ही से है मैडम सर. आपके बिना हम कुछ भी नहीं है. आप जानती हैं कितनी खास जगह है आपकी हमारी जिंदगी में. यहाँ इधर हमारे दिल में रहती हैं आप मैडम सर. आप नहीं तो हम भी नहीं. लव यू. व्हाट अ जज्बाती स्पीच मीरा जी. वाओ, वो आखिरी वाला आई लव यू मेरी तरफ फेंकते तो कितना मजा आ जाता. सॉरी बिल्लू जी, अभी तक मैंने झूठ बोलना नहीं सीखा है. वैसे मीरा मैडम, आपने तो वीडियो बना के दिया ही नहीं. आप भी एक वीडियो दे दीजिए मैडम सर के लिए. किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं. मैं अभी तक इस थाने के परिवार का हिस्सा नहीं बन पाई हूँ. सैड. आई एम सो सॉरी मीरा मैडम, मेरे दिमाग से पता नहीं निकल गया आपको बताना. लेकिन आप प्लीज एक वीडियो बनाकर दे देंगे. आई एम रियली वेरी सॉरी मैडम. माफ किया, भूलना इज नॉट इंटेंशनल. और जो इंटेंशनल नहीं वो अपराध नहीं. तो आप आज एक वीडियो बनाकर दे देंगे मैडम सर के लिए? ओके. सब काम हो गया? अब बाकी का काम कौन करेगा? तुम्हारी मैया की सासू मैया? नहीं नहीं, वो नहीं. अब मैडम सर एक घंटे में आ रही है ना, तो तब तक सारा काम हो जाएगा. मैडम सर आगे. मैडम सर, चलो चलो तुम चलो और काम खत्म करो जल्दी. मैडम सर. जय हिंद. जय हिंद मैडम सर. जय हिंद. जय हिंद. आप ये गाड़ी ही, आप अपनी गाड़ी लाई हैं आज आप जीप पे? हाँ, वो सरकारी जीप हमने वॉशिंग में दी है तो हम दूसरी गाड़ी लेकर आए. अच्छा अच्छा. नहीं, आप आज बहुत जल्दी नहीं आ गई मैडम सर? टाइम पर आना जल्दी आना होता है संतोष शर्मा. हम हमेशा 9 बजे ही तो आते हैं. नहीं, वो उसके कहने का मतलब है कि मतलब आप आराम से आ जाती ना. हाँ. हम तो है ही यहाँ पे, कोई समस्या तो था नहीं. आराम से आप नाश्ता करती, चाय पीती, ये कहने का मतलब था ना. हाँ हाँ. नहीं नहीं, हम समझते हैं लेकिन हमारा भी बहुत सारा काम पेंडिंग है इसलिए हम आ गए. ठीक. हाँ, नहीं मैम. मैडम, मैं क्या कह रही थी मैडम सर कि इतनी प्यारी मीठी मीठी धूप है तो इस मौसम का थोड़ा सा आनंद उठाया जाए. गर्मा गर्म बदनाम की चाय पीते. क्या है? बात है. हाँ, हाँ, है चाय पी सकते हैं. कुछ बातें करेंगे, कुछ आप कहेंगे, हम भी बताएंगे आपको बातें. और वो लुत्फ कहते हैं ना, लुत्फ उठाते इस मौसम का. मैडम मैडम सर, क्या करें, अभी तो केक भी नहीं आया, गिफ्ट भी नहीं आया, आधी तैयारियां ही हुई है. मैडम सर को पता चल जाएगा. क्या पता चल जाएगा मैडम सर को? मैडम चुप चुप चुप, बताइए. जाओ भी जाओ, हमें किसी भी तरह मैडम सर को उनके केबिन से बाहर निकालना है. पर कैसे मैडम? मैडम सर वेट पर चले, मैं गाड़ी निकालूं? नहीं आज नहीं. नहीं मैडम सर, वो इकबाल बता रहा था कि भजरपुर चौक पर ना एक नया चाट कॉर्नर खुला है. बहुत ही टेस्टी चाट बनाता है और चाट तो आपको भी पसंद है ना. तो हम चलते हैं बीट पर, फिर चाट भी खाते हुए आ जाएंगे तो हो जाएगा ना. चले, मैं गाड़ी निकालूं. संतोष शर्मा प्लीज चुप हो जाइए, कभी तो मैच्योरली बिहेव करिए. I'm sorry, हमारा वो मतलब नहीं था. हम थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हैं, हमारा ध्यान कहीं और है. हम रियली सॉरी. ठीक है, आज नहीं जा सकते, आज बहुत काम है, कल हम चलेंगे.
बीट पर भी जाएंगे, चाट भी खाएंगे, सब कुछ साथ में करेंगे, प्रॉमिस। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड। होता है कब कभी, मैं जाऊं? हाँ, थैंक यू। क्या हुआ संतु, मानी? हाँ मानी, कह रही कि कल जरूर जाएंगे। हाँ लेकिन कहाँ जाएंगे? चाट खाने, चाट कॉर्नर। अगर इस आदमी का खून हुआ है तो किसने मारा होगा इसे और क्यों? पीछा क्यों कर रहे थे हमारा? हेलमेट निकालो, आईडीज दिखाइए अपने अपने। बाइक वाले हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? क्या इन सारी बातों का कनेक्शन है इस मर्डर से? पर सत्या से हमारा क्या कनेक्शन हो सकता है? हाँ इधर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। हसीना मलिक ने मेरा चेहरा देख लिया। अब आगे क्या करना है? ओके क्या हुआ? किसका फोन था? कैप्टन का। हाँ कौन सी टीम का था? टीम का नहीं, अपने कैप्टन का। अच्छा क्या बोला? बोला आगे कुछ नहीं करना है, अब जो कुछ करेगा उनका सीक्रेट वेपन करेगा, अदृश्य हथियार। अदृश्य हथियार? मैडम सर, मुझे यहाँ आपसे इंसानी जज्बातों के बारे में सीखने के लिए भेजा गया था, पर तब मुझे ये नहीं मालूम था कि आप इतनी अच्छी टीचर साबित होंगी। यू आर अ ग्रेट टीचर बट आई एम अ बैड स्टूडेंट। जितनी पेशेंस और सैक्रिफाइसेस के साथ आपने मुझे सिखाने की कोशिश की है, मेरी मिस्टेक्स को इग्नोर करके हमेशा मुझे फेवर किया है, वो प्रशंसनीय है। आज जितने भी इमोशंस मेरे अंदर डेवलप हुए हैं, जितनी भी फीलिंग्स मेरे अंदर हैं, वो सब आप ही की वजह से हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे, बहुत कुछ सीख रही हूँ और आगे भी बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। मेरे शब्दकोश में हिंदी के बस इतने ही शब्द हैं आपकी तारीफ करने के लिए और आपको थैंक्स बोलने के लिए, इसलिए प्लीज इन्हीं से काम चलाइए और मेरा थैंक्स एक्सेप्ट कीजिए। ये समझ गई हूँ कि हिंदी के ये तीन शब्द बहुत मायने रखते हैं, इसलिए आपसे ये कहना चाहती हूँ, आई लव यू मैडम सर, हैप्पी बर्थडे मैडम सर। सर्च हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क ढूंढनी है। मीरा तुम यहां क्या कर रही हो? मीरा बाहर जाइए। करिश्मा सिंह, करिश्मा सिंह जल्दी आइए प्लीज। जी मैडम, क्या बात? करिश्मा सिंह आपने मीरा को यहाँ क्यों भेजा? हमने मीरा को नहीं, हमने तो नहीं भेजा मैडम सर। करिश्मा सिंह आप ही ने भेजा है, आपने नहीं भेजा तो ये अपने आप यहाँ तो आ नहीं सकती। नहीं पर हमारा विश्वास कीजिए मैडम सर, हमने मीरा को यहाँ नहीं भेजा है। करिश्मा सिंह मीरा सिर्फ आपके ऑर्डर्स फॉलो करती है, तो वो यहाँ इसीलिए यहाँ आई होगी ना। आप प्लीज इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहिए। हाँ भैया समझाएंगे, आप यहाँ काहे आई हैं, क्या कर रही हैं आप यहाँ पर? कुछ पूछ रहे हैं तुमसे मीरा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे भेजा गया है। किसने? भूत ने? हमने तो भेजा नहीं है ना, और कमांड हमारे पास है तुम्हारा, तो फिर किसने भेजा तुमको? आपने नहीं। हाँ तो फिर किसने? वही तो हम तुमसे पूछ रहे बार बार, किसने भेजा तुमको यहाँ पे? हाँ मीरा, मीरा 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 ठीक हो? मुझे नहीं पता, मेरा सिस्टम ओवरराइड हो रहा है। समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग हैज चेंज्ड। कि मैडम सर इसका शॉर्ट सर्किट हो गया, ये पगला जाती है ऐसे, ये टीम का डब्बा ही है, इसको आप भेज दीजिए, किसी काम का नहीं है, इसको भेजिए डिपार्टमेंट वापस। अच्छा ठीक है, फिलहाल आप इसे प्लीज बाहर लेकर जाइए। चलो मीरा बाहर, बाहर चलते हैं, चलिए। मीरा इधर देखो, मीरा
ओहो, ये चीता कहाँ रह गया अब? पुष्पा जी, अरे केक वो भी लेकर आ गए। सब अच्छे से चेक वेक करके लेके आए ना? इसमें क्या चेक करना है पुष्पा जी, केक ही तो है, काट लेना और खा लेना। कहिए तो खाकर चेक कर लेते हैं। सलीका होता है हर बात का, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी ले जाके मैडम सर के सामने रखेंगे हम। दिखाओ हमें, हमें खुद चेक करना है। दिखाओ केक, दिखाओ हमें। आपको दिखाए और आप गपाक से खा गई तो पागल है क्या? हम जी कुछ भी बोलते हो, दिखाओ। देखिए देखिए, आराम से भाई। मस्त है ना? क्या है ये? एक तो है पुष्पा जी, हवाई जहाज थोड़ी है। वो तो हमें भी दिख रहा है जीते, मगर ये लिखा क्या है इसमें? मदान सर, कौन है ये मदान सर? मदान, एक काम बोला था जीते, एक काम। एम को एन कर दिया। गजब गजब, कैसा अनपढ़ आदमी है। थोड़ा बहुत अंग्रेजी सीख लेता तो कहाँ चला जाता। अच्छा, और तुम? हम हमही को बोल रहे हैं पुष्पा जी, हम पहले तो ऐसा अनर्थ तो नहीं करवाते ना। वो कम से कम गलत करता तो हम सुधरवा लेते। जाओ अभी वो सही करके लेके आओ, जाओ। ठीक है, एक मिनट, अभी अपना गिफ्ट खोल कर चेक कीजिए ना। मैडम सर के फोटो के जगह किसी मदन चोपड़ा का फोटो बनवा ली होंगी तब आप। हम तुम्हारी तरह अनपढ़ और लापरवाह नहीं है, समझ गए ना? हमने वही फोटो का फ्रेम बनवाया है जो हम सब ने सिलेक्ट किया था। नहीं पुष्पा जी, खोल कर देखिए। भरोसा नहीं है हम पे? हाँ? नहीं पुष्पा जी, भरोसा तो आप पर बहुत ज्यादा, आप कह दी हम मान लिए। चलिए खोल कर देखिए। अरे कैसे हो तुम जीते? पुष्पा पे भरोसा नहीं है तुमको? आजकल के लड़के आराम से। सॉरी माता जी। अरे माता जी कह रहे हैं भाग, नहीं तो मार के कपार फाड़ देंगी। एक तो सामान गिरा के तोड़ दिया, फिर से माता जी कह रहा है। कैसे इतना बढ़िया फोटो तोड़ दिया ही? जीते, जन्मदिन पे ऐसा कांच का टूटना अच्छा शगुन नहीं है। ये जरूर किसी बुरी घड़ी का संकेत है। दुबे, अनुभव का नाम इस लिस्ट में? ये तो इंडियन सीक्रेट एजेंट्स की लिस्ट है। डिलीवरी तो है, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता तो कौन सी कयामत आ जाती? मैडम, अगर ये बैग सही वक्त पे सही हाथों में नहीं पहुंचे तो वैसे भी कयामत आ ही जाएगी। उसने सही कहा था, अगर ये डिस्क गलत हाथों में पड़ गई तो वाकई कयामत आ जाएगी। हमारे देश के सारे सीक्रेट एजेंट्स की आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो देश के खिलाफ रची जाने वाली हर साजिश कामयाब हो जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हेलो हसीना जी, हम जानते हैं कि अचानक हमारी आवाज सुन के आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन यह समय उन सवालों का नहीं है। हम जो कहने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा, आपकी जान को खतरा है। क्या?